जैसा कि आप जानते हैं मैं अली रोज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो हमारा व्लॉग होता है अब से स्टार्ट। पहले मैंने आपको दिखाया था ये नहर सूख गई थी, तो अब ये वापस चल गई है नहर। अभी हम जा रहे हैं आगे आगे, भैंसें शायद नहाएंगी या नहीं नहाएंगे, लेकिन भैंसें जा रही हैं बहुत सारी, इस नहर में नहाती हैं भैंसें। तो हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं भैंसें नहाएंगी या नहीं नहाएंगी। आगे खड़ी हैं बहुत सारी भैंसें, यहाँ पे आते तो हैं भैंसों के नहलाने, लेकिन अभी हम देखेंगे वो नहाती हैं कि नहीं नहाती, और आपको भैंसें भी दिखाएंगे बहुत सारी एक साथ। जैसे यहाँ पर चलाते हैं, यहाँ पर जैसे थोड़ा चला फिला देते हैं, तो थोड़ा उनको चला देते हैं, घुमा लेते हैं, जैसे कि घर में एक जगह पर बांधते नहीं हैं। यहाँ पर सुबह निकालते होंगे 8 बजे या 7 बजे, सारा दिन घुमाते रहते हैं उनको, और 7 बजे फिर उनको घर पे लेके आते हैं वापस असर के टाइम तक। तो भैंसें नहा रही हैं यहाँ पे, अभी आपको दिखाऊंगा भैंसें नहा रही हैं यहाँ पे। नहर के अंदर चली गई, इसके अंदर बहुत सारी भैंसें हैं। इस भैंस से डर लग रहा था हमें, यहाँ पे भैंसे नहा रही हैं। अंदर जा रही हैं एक एक करके, सारे बच्चे भी नहा रही हैं यहाँ पे, आ गए हैं नहाने। से टन लेंगे और वहाँ से आएंगे, वहाँ से आपको दिखाएंगे कि कैसे नहा रही हैं। तो हम अभी वहाँ से कुछ चीज़ भी खाएंगे, सोना हलवा खाएंगे, और वहाँ से आके ऐसे आपको दिखाएंगे यहाँ पे नहा रही हैं। वहाँ से आएंगे अब वहाँ से वो पुल नज़र आ रही है आपको, वो दूर पुल नज़र आ रही है, वहाँ से जाएंगे ऐसे कैसे आएंगे हम वापस, यहाँ से आपको दिखाएंगे नहा रही हैं वैसे। बहुत सारी भैंसें यहाँ पर होंगी, तकरीबन 50-60 भैंसें होंगी। ये यहाँ पे चीज़ मिलती है यहाँ पे उसका नाम क्या है, सोना हलवा। सोना हलवा खाएंगे यहाँ से थोड़ा सा। ये पुल के पास हम आ गए यहाँ पे, ये टाउन का नाम क्या है, मदीना टाउन। ये मदीना टाउन, आपको मदीना टाउन भी दिखाऊंगा, जिसकी मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाई थी कि हमने मैच खेला था इस मदीना टाउन में। ये रहा मदीना टाउन का दरवाज़ा, ये मदीना टाउन का रास्ता है, ये पूरा मदीना टाउन है। यहाँ पे आए सोना हलवा खाएंगे चीज़ ले लिया। अबे यहाँ से जाना, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से नहीं क्योंकि यहीं से चला जाए, चल लेते हैं हम यहीं से जाएंगे, ताकि वो यहाँ से घुसी थी ना तो इस तरफ आ गई होंगी सारी, इसलिए हम जाएंगे यहाँ से। जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ से घुस रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, इसीलिए जल्दी जाना पड़ेगा हमें, जल्दी जल्दी। ये चीज़ तो खिला, वो गरम गरम है लच्छेदार। VIP यहाँ से नहा के निकल गई, अब दूसरी भैंसें आ रही हैं, ये निकल रही है ये वाली भैंस है। अब वहाँ से गाय नहा रही थी, लेकिन वो जिनकी गाय वो नहाने नहीं दे रहे, वो सीधा लेके जा रहे हैं इनको।
ये भाई सारी मेरी गायें समझ लो, है ना, समझ लो मेरी है नहीं। ये जो व्लॉग में है एम साबिर व्लॉग, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें यार। ये मेरे भाई हैं, ये भी नए नए आए हैं मेरे यूट्यूब पर, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये अभी भैंसे आपने देखी है इनको, मैं और सबके पास हमारी गाय गाँव हमारे यहाँ अम्मी जी बनाए थे, भैंस का बच्चा है गाय का, छोटा सा प्यारा सा, तो चार पांच दिन हुए हैं पैदा हुए, बिल्कुल इसकी तरह अली की तरह। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है देख सकते हो आप। अभी से बुरा हो गया ये, आ गए अब हम आ रहे हैं घर पे, अभी हम घर पे पहुंच गए, अभी हम घर पे पहुंच गए। सारे बच्चे देखो पीछे लगा है सारे। मैंने आपको बताया मेरे भाई का चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एम साबिर व्लॉग एक दो वीडियो छोड़ी है अभी इसने, ये नाम चेक कर लें, उल्टा आ रहा है, नाम चेक कर लें आप, उल्टा आ रहा है, फिर भी आप देख लेना एम साबिर व्लॉग। तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर करो ज़रूर।